What's up people? How are you? Hope you like my videos जो मैंने पहले बनाई and I'm back with my new episode. आज का जो video है वो है ketogenic diet और I can say keto diet. बहुत सी diets famous हैं आजकल, low salt, low sugar, ऐसे ही एक keto diet होती है. Keto diet अगर हम एक ratio में बोलें तो it's high fat लो carbs डाइट है. रेशो अगर हम इसको एक मैक्रो इसका बनाएं कि 100% में क्या इसको कैसे हम करेंगे, 70% फैट्स, 25% प्रोटीन एंड 5% और 6% carbs. carbs आपको बंद कर देने हैं और carbs आपको बिल्कुल कम कर देने हैं, फैट्स बढ़ा देनी है, प्रोटीन बढ़ा देना है. कीटो डाइट जिम में आजकल बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया कीटो डाइट क्या है, क्यों ले करनी चाहिए, बेनिफिट्स क्या हैं, नुकसान क्या हैं. तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस कीटोजेनिक डाइट. एक ऐसी डाइट जब हम अपने कार्ब्स बंद कर देते हैं और या कार्ब्स बिल्कुल ही कम कर देते हैं तो जो हमारे कार्ब्स आगे उसको कट करके ग्लूकोज बनता है हमारे नेफ्रॉन्स में, अगर हम एक कार्ब्स लेने ही बंद कर देंगे तो नेफ्रॉन्स में ग्लूकोज कम बनेगा. हमें जितनी फैट्स चाहिए उतनी ही फैट्स बनेंगी, ना कि कार्बों से ज़्यादा फैट्स बनेंगी. अगर हम फैट्स हाई करते हैं तो आप बोलोगे कार्बो बंद करने से, फैट हाई करने से फ़ायदा क्या. फैट्स हाई करने से मेटाबॉलिक बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाएगा. सेकंड, जो हमारे सारे ऑर्गन्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑर्गन्स प्रॉपर चलेंगे. क्योंकि जब आप कार्ब्स बंद कर देते हो आपको एक तरह का कैलोरीज बहुत कम हो जाएंगी आपकी, मगर अगर आप फैट्स बंद कर देते हो तो बिल्कुल ही कैलोरी नहीं मिलेगी. जो ग्लूकोज लेवल फैट बना रहा है वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि फैट्स एकदम से आप बंद नहीं कर सकते हो, कार्बोबंस कर सकते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ फैट्स. तो प्रोटीन इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रोटीन नहीं चलाते हो इसमें तो आपको लीन मसल मास नहीं मिलेगा, आपको मसल के ऊपर मास ही नहीं मिलेगा, मसल के सिंथेसाइज नहीं होगा, प्रोटीन उसको लगेगा नहीं अगर आप बिल्कुल भी उसको प्रोटीन नहीं उस तरह का देते हो अपने बॉडी वेट के हिसाब से. तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है. लेस कार्बो इसलिए बिकॉज आप अगर आपको अराउंड आप 1 ग्राम कार्बो अपने अंदर जाने देते हैं वो 3 ग्राम पानी होल्ड करता है, वही हमारी स्टोर्ड फैट बनती है जिसे हम कहते हैं वाटरी फैट. उसके लिए हमें कार्ब्स बंद करने पड़ेंगे अगर कोई हमने गोल अचीव करना है, कोई प्रॉपर एक लीन फिजीक करनी है और वी आर गोइंग फॉर एब्स तो हमें कीटो करना ही पड़ेगा. कीटो में आप क्या क्या बंद करें, कार्ब्स में आप क्या क्या बंद करें. फर्स्ट ऑफ ऑल होल ग्रेन वीट, राइस, प्रॉपर एक कह सकते हैं फ्रूट्स बंद करने पड़ेंगे आपको, कोई भी फ्रूट नहीं खाना है जिसमें भी शुगर कंटेंट है. कार्ब्स लाइक ब्राउन राइस भी नहीं चलेंगे, वाइट भी नहीं चलेंगे, आटा सोयाबीन हो या होल ग्रेन हो बिल्कुल नहीं चलेगा. और अगर हम बोलें दूध, यस दूध भी नहीं चलेगा क्योंकि लैक्टोस होता है, कार्ब्स ज़्यादा होते हैं तो दूध भी नहीं चलेगा, दही भी नहीं चलेगी. ये तो हमें बंद करना है क्योंकि हमें कार्ब्स ख़त्म करने हैं. 5% कार्ब्स आपको वैसे ही मिल जाएंगे किसी ना किसी चीज़ में से, मगर अब जब कार्ब्स बंद कर दोगे आप तो आपको डिजीनेस होगी, फेंट होंगे आप, बहुत ही ज़्यादा मसल ऐसा लगेगा कि है ही नहीं, हम हफ्ते में ऐसा लगेगा बॉडी को पता नहीं क्या हो गया, हाइड्रेट से डिहाइड्रेट पे जाएगी. इसलिए पानी आपको 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा जो आप डेली रूटीन में ले रहे हो, कि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, हाइड्रेट ही रहे, पानी बहुत ज़रूरी है. एंड सेकंड, फाइबर अगर आप फाइबर नहीं लोगे तो वो कार्ब की कमी कभी पूरी नहीं करेगा. फाइबर नहीं लोगे, कार्ब्स जब हम बंद करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ लेते हो अगर उसमें 60 ग्राम कार्ब्स भी है
तो 4 से 5 ग्राम फाइबर भी होगा, कोई भी चीज़ लेते हो तो वो अगर हम कार्ब्स बंद करते हैं तो फाइबर बंद हो जाता है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन, बॉल सिंड्रोम हो जाएगा, जिस चीज़ से हमारी पूरी डाइजेशन डिपेंड करती है जिस चीज़ पे, वो है फाइबर। लिवर डाइजेस्ट नहीं करेगा विदाउट फाइबर। 20 से 25 ग्राम हमें फाइबर डेली चाहिए, सो फाइबर्स लेना है। फाइबर हमें मिलेगा ग्रीन लीफ, सैलड्स और नट्स, ड्राई फ्रूट्स। तो जिस चीज़ में आपको फाइबर नज़र आता है, गो फॉर दैट। बट शुगर कंटेंट ना हो, कार्बो ना हो, क्योंकि कार्ब्स तो लेने ही नहीं है। फैट आप देखें क्या है, और अगर हम चाहते हैं कि कार्ब्स का पता लग गया, फाइबर का पता लग गया, एंड लास्ट थिंग, जैसे ही आप कार्ब्स बंद करते हो, आपके विटामिन्स, मिनरल्स और स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट्स सारे कम हो जाएंगे, और जिससे होगा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी आएगी बॉडी में। इसलिए इसको पूरा करने के लिए आपको एक न्यूट्रिएंट लाइक और सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट हेल्थ रिलेटेड लेना पड़ेगा, जैसे हम कह सकते हैं मल्टी विटामिन्स। मल्टी विटामिन्स किसी भी आप ब्रांड का ले लें, कोई इशू नहीं है, एक टैब सुबह एक शाम को आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि उससे आपके एनर्जेटिक रहेगा, विटामिन्स और मिनरल्स पूरे रहेंगे। अब कीटो डाइट में आप डाइट क्या लोगे और क्या क्या आप ले सकते हो, आप एग्स ले सकते हो, फिश ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो क्योंकि वो फैटी होती है, कार्ब्स नहीं होते, और एक हमें कहते हैं चिकन सलामी, उसमें फैट होती है, कार्ब्स नहीं होते। अगर आप उसको फ्रोज़न वाले को आप अगर थोड़ा सा रोस्ट कर लें तो, और इसके साथ आप नट्स ले सकते हैं, बट उसको एक मील बना लें ड्राई फ्रूट को, ये नहीं कि आप सारा दिन ही खाई जाएँ, तो वो भी ज़्यादा कैलोरी हो जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर आप कार्बो के साथ फैट भी बंद कर देते हो और आप कहते हो कि हम अकेला प्रोटीन ले लें, अगर आप 300 ग्राम प्रोटीन भी लेते हो, 300 से 400 ग्राम प्रोटीन भी दिन का लेते हो, तो 1300-1400 कैलोरी बनेगी बस, तो उससे नहीं चलेगा, उससे बॉडी चलेगी नहीं। कम से कम 2000 कैलोरी हमें चाहिए कि अगर हमने बॉडी अपनी चलानी, हमने ऑर्गन सारे चलाने हैं, सो वो कमी पूरी करेंगे फैट्स, अच्छे फैट्स। तो गाइस बाकी अगर कीटोजेनिक, मैं नहीं कहता कि कीटोजेनिक ही ज़रूरी है, आप लोग आप वैसे करके देख लें, मगर अगर आप चाहते हैं कि कुछ सेटअप है, कोई प्रो जाना है या कोई फिजीक बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म करनी है, और यू गोना लूज, यू वांट योर बॉडी चेंज्ड, तो कीटो आपको करनी पड़ेगी और करनी चाहिए भी। पहला हफ्ता बहुत मुश्किल लगेगा, बहुत ही बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि आप एकदम से ही अपना मेटाबॉलिक चेंज कर देते हो, जिसमें आप अराउंड 2600-2700 कैलोरी ले रहे हो और आप एकदम से 1500-1600 पे आ गए, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। मगर आफ्टर 7 or 8 days आपकी बॉडी को आदत पड़ जाती है, आपके मेटाबॉलिक को आदत पड़ जाती है, सो डोंट वरी, उसके हिसाब से किसी को वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, प्रोटीन आप साथ में लेंगे सप्लीमेंट में भी, डाइट में भी, तो प्रोटीन की रेशो पूरी रहेगी, उससे आपको लीन मसल मास मिलेगा। कितनी देर तक कर सकते हैं, 1 महीने से 3 महीने कर सकते हैं, और 40 days, पहले 40 days करके देखें, क्योंकि एक हफ्ता तो उसको कीटोसिस स्टेट में जाने लग जाएगा अपनी बॉडी को। जब आपको एक हफ्ता आप कीटो करेंगे, बॉडी एक खुद से ही कीटोसिस स्टेट में चल जाएगी, वो प्रोटीन को उठाने लग जाएगी, फैट्स को उठाने लगेगी, क्योंकि उसको कार्ब्स मिलेंगे नहीं, मेटाबॉलिक बहुत तेज़ हो जाएगा और फैट कम बनेगी, और जितनी स्टोर्ड फैट ऑलरेडी है वो एज अ फ्यूल एनर्जी देगी और वो बर्न होगी वर्कआउट में, क्योंकि आप कार्ब्स नहीं ले रहे हो, आपकी फैट और बनेगी नहीं, स्टोर्ड फैट होगी नहीं, जो सीधी फैट ले रहे हो वो आपकी सीधी जाएगी वर्कआउट में एज अ फ्यूल, वो आपकी एनर्जी बनेगी। सो डोंट वरी अबाउट फैट्स लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं है, बस ये है कि वीक और 10 days आप थोड़ा सा डिजी फील करते हैं, और आफ्टर 1 to 3 months आप फिर नॉर्मल डाइट पे आ जाएं, नॉर्मल डाइट से फिर कीटो पे चल जाएं, तो आप इस वाइस वर्सा चला सकते हैं इसको। पर अगर आप कहें कि कीटो पे ही जाना है, तो दैट्स नॉट गुड फॉर योर ऑर्गन्स ऑल्सो,
ये नहीं है, अगर आप उसको प्रॉपर प्रोटीन दे रहे हैं, फैट दे रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम जीरो जीरो, मतलब कुछ भी नहीं, 110% कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आएगी, मगर आप में बहुत चेंज आएगा। हमने जिसको भी सजेस्ट की है जिम में और हमारे क्लाइंट्स में, तो उनको बहुत फ़र्क पड़ा है, लाइक गेम चेंजर है ये, बहुत ही एग्जैक्टली गेम चेंजर। और इसको मैं जून में, इस जून जुलाई में, इस सीज़न में इसलिए शूट कर रहा था बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर कीटो, क्योंकि समर है, गर्मी बहुत है, स्वेटिंग बहुत जल्दी हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है सबको। सो अब करें इसके साथ, आप सीड्स ऐड करें, लाइक चिया मैंने आपको बताया था, फ्लैक्स सीड कर सकते हैं, अलसी, तो उसके और रिजल्ट्स आएंगे। पर पानी कंटेंट ज़्यादा रखें, न्यूट्रिशनल प्रोटीन ज़्यादा रखें, सप्लीमेंट में आप मल्टीविटामिन रखें, कोई सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसको कोई लिवर शिवर ऐसा कुछ नहीं लेने की ज़रूरत, नो वरी अबाउट इट। वर्कआउट रखें जो भी आपका है, कार्डियो ज़्यादा रखें, तो ये एक बहुत अच्छा गेम चेंजर है। डाइट और कीटो डाइट के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे सीधा मैसेज कर सकते हैं, सीधा ईमेल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कीटो को सीरियस ले लें, क्योंकि ये आप एक बार करेंगे आपकी ये फेवरेट डाइट हो जाएगी, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। बाद में आप थोड़ा सा कार्ब्स बढ़ा सकते हैं, जब आपको एक गोल मिल गया कि यार आई अचीव्ड इट, तो आप थोड़ा सा उसको बढ़ा सकते हैं, फिर आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। बाकी मैं आपको नीचे एक, मैंने एक केटोसिस के लिए एक प्रॉपर कीटो डाइट का एक डाइट चार्ट बनाया है, वो आपको नीचे मिल जाएगा। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कीप फॉलोइंग मी, मैसेजिंग मी, कॉलिंग मी। बाय बाय गाइस, लव यू।